कालामड़ के 2 सैकड़ा परिवारों ने आशियाना बचाने जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार। शिवपुरी जिले के नगर परिषद बैराड़ के अंतर्गत आने वाले कालामड़ धौरिया रोड के करीब 2 सैकड़ा परिवारों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से आशियाना बचाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार कालामड़ के सर्वे नंबर 571 धौरिया रोड पर करीब 2 सैकड़ा परिवार कई वर्षों से कच्चा और पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जबकि जिस भूमि पर ये लोग निवास कर रहे हैं उस भूमि को शासन ने कॉलेज बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित कर दिया है। ऐसे में अब इन लोगों के सामने निवास की समस्या खड़ी हो गई है। अगर कॉलेज बनाने के लिए इन लोगों के मकान हटाए गए तो वह लोग कहाँ रहेंगे? इसी समस्या को लेकर वह लोग आज जनसुनवाई में कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर से आशियाना बचाने की गुहार लगाई। देखिए क्या कुछ कहा यहाँ के लोगों ने। क्या नाम है आपका? मीना। कहाँ से आए हो आप? बैराड़ से। क्या पूरा मामला है, क्या है मामला? मामला जी सर, हमारी झोपड़ी बनी तो इस मुख्यमंत्री का तो बिना कहीं भैया की भैया बनाऊंगी, पट्टे तय जाएंगे वैसे आ गए, अब छोटे छोटे मड़ा मोड़ी वही जगह बिना ही ना पता ही तो खा जाएंगे लेकर बिना तोड़ रहे हैं, बिना ही तोड़ भी वो कह रहे हैं तोड़ेंगे ना टाई जाएंगे। कौन सी जगह, कौन जगह कौन सी है? मैंने स्पॉट क्या है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कलेक्टर साहब को भी आले ने आदेश करो वही से इनको पट्टे दिए जाए, दो एक ना गए घूम फिर पट्टे। स्थानीय प्रशासन से अभी तक तुम्हारी नहीं बात करने के लिए दिया वहाँ पर, दो कुछ नहीं किया। आपके पास कोई नोटिस आए आए हैं क्या? पहले अब तो कुछ नहीं आया, पहले आया लेकिन आने वाले अब तो नाप गए हैं, जरी उठा गए भी आनी मांग कर गए। तो मकान टूटेगा क्या बनेगा वहाँ पे? कॉलेज बनाने के लिए कॉलेज जानी चाहिए। तो पूरी जगह सरकारी है वो? जी सरकारी है। कितने सालों से थे आप वहाँ पे? 20 साल से कब्जा आपका वहाँ पे? अच्छा कुछ है उसमें वो बोल तहसील महसील की कोई रसीद? रसीद कटाएंगे और बिल है, मीटर लगे हैं, नल कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, आवास भी मंजूर है। अब क्या चाहते हो आप लोग? और आवास बने 10 जगह में। क्या चाहते हो? तो जो चाहते हैं सर, मैं तो कॉलेज हटाई जाए और हमको हमारी आबादी कराई जाए जगह, हमारे मकान जमाने। आज हम लोग बैराड़ से चल कर के कलेक्टर साहब की कलेक्ट्रेट में परिसर में यहाँ पर आए हैं और ये आज हमारे 200 से 250 परिवार जो गरीब लोग हैं, कोई तालाब में से डूब क्षेत्र से आए हैं और कई लोग अपनी पहले झुग्गी झोंपड़ी बना करके रह रहे थे, फिर पटौरी में आए, फिर पटौर में से छोटे छोटे आज मकान बना करके रह रहे हैं और प्रशासन आज अपना उन्हें डंडा चला करके और उनके मकानों को खाली करवाने के लिए तोड़ने के लिए। कितने लोग होंगे पूरे? ऐसा कहा जा रहा है पूरे कम से कम 200 से ऊपर है, 250 परिवार आज रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं ये? करीबन काफ़ी लंबे समय से 15 से 20 वर्ष हो गए होंगे। तो आपके पास कुछ नोटिस वगैरह आया है कि इसको कुछ? नहीं, सीमांकन किया था, नोटिस अभी कोई नहीं आया है। परसों के दिन सीमांकन करने के लिए स्थानीय नगर परिषद CMO साहब और वहाँ तहसीलदार पहुँच करके वहाँ जरी वगैरह डाली है तो सभी लोगों को मालूम है कि ऐसे ऐसे यहाँ सीमांकन कर दिया गया है कॉलेज का। नहीं तो क्या कह रहे थे वो? वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉलेज बनाएंगे, जबकि पूर्व में जो हमारे CM साहब मामा जब थे तो उन्होंने ये कहा था कि सब लोग जो जहाँ पर है व्यवस्थित वो वहीं रहेगा। अब क्या चाहते हो आप लोग? अब यही चाहते हैं कि कॉलेज जगह स्थानांतरित हो और हमारे दूसरी जगह बने और हमारे मकानों का मालिक ना दे रहे क्या? जी कुछ नहीं, नहीं कोई ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन डर है क्षेत्र को आवासी किया। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मवीर भारद्वाज नाम है। कहाँ से आए हो? मैं बैराड़ से ही आया हूँ। कौन सा क्षेत्र है? बैराड़ धौरिया रोड, धौरिया रोड का क्षेत्र है, 571 सर्वे नंबर। तो इससे पहले आपने शिकायत की थी कि मतलब ऐसे ऐसे ये लोग तोड़ने के लिए? पहले भोपाल भी शिकायतें की और पूर्व में भी हमारे राज के राजीव भी मंत्री रहे तो कभी सभी जनता ने तो उन्होंने कहा व्यवस्थित सभी लोग यहीं रहे, कागज भी जी विधायक साहब से मिले थे। हाँ विधायक साहब मिले थे। क्या क्या कहा था उन्होंने? विधायक साहब ने तो ये कहा है कि जो भी अभी कानून प्रक्रिया है, जो भी व्यवस्थित पूर्व में क्या रही है तो वो कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे इस विषय पर।